हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। ये है एक बुक रिव्यू वीडियो और इसमें मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो बहुत अच्छी बुक्स जो बच्चे को नर्सरी राइम्स सिखाने के लिए बहुत बेस्ट है। राइम्स जो है वो बहुत असेंशियल पार्ट है किसी भी बेबी की लाइफ का या कह सकते हैं उसके स्टडी का। सबसे पहले जब स्कूल में जाता है बच्चा या घर में भी जो पेरेंट्स हैं वो राइम से ही शुरू कराते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी राइम बुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी राइम्स जो हैं वो फेमस हैं या कौन कौन सी राइम्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो वो नहीं सिखानी है। तो एक कैटेगराइजेशन हो जाती है जो बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए पहली बुक से स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट बुक नर्सरी राइम की और ये बुक मैंने कब ली थी, जब इवान अराउंड 6 मंथ्स का था और जब तो मुझे हम बुक फेयर में गए थे और उस टाइम तक तो उसने सीखी भी नहीं थी कोई राइम वगैरह, बोलना भी नहीं आता था उस टाइम तक तो उसे, तभी मैंने ये बुक ले ली थी। और अब तो ये बहुत यूज़ हो रही है, मतलब 2 ईयर प्लस से तो ये बहुत यूज़ हो रही है। काफ़ी अच्छी बुक है और बुक फेयर जो लगता है दिल्ली में वहाँ तो काफ़ी चीप भी पड़ जाती है। मुझे लग रहा है ये 50-70 रुपीज़ की बुक थी, पर ये ऑनलाइन भी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा। इस तरीके के इसके पेजेस हैं, बोर्ड बुक है, फट भी नहीं सकती, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसे राइम्स दी हुई हैं सारी डिस्क्रिप्शन के साथ, फोटोज़ के साथ, तो इवान को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। टेडी बियर टर्न अराउंड, ये तो इसने 1.5 ईयर में ही सीख ली थी और अभी तक इसको वो राइम सिंग करता है, तो बहुत अच्छी लगती है उसको ये बुक। और उसकी फेवरेट बुक है राइम बुक जो है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी राइम्स हैं और मेन राइम्स हैं जो स्कूल्स में भी यूज़ होती है और बच्चा जो है वो आसानी से सीख भी सकता है। इस तरीके से राइम्स हैं इसमें और अराउंड 15-20 राइम्स हैं जो बिल्कुल पॉपुलर वाली हैं, तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसका लिंक मैं दूंगी आपको नीचे। और उसके बाद मैंने ये अमेजोन से मंगाई थी एक जम्बो बुक नर्सरी राइम्स की, ये भी बहुत अच्छी है, पर हाँ इसमें थोड़ी ज़्यादा राइम्स हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल बेकार वाली हैं, मतलब मैंने कभी नहीं सुनी थी आज तक, लेकिन वो पीछे पीछे के टाइम साइड है, आप 10-12 राइम्स पीछे के एक्सक्लूड कर सकते हैं, पर आगे वाली जो है वो बहुत अच्छी है। और कुछ न्यू राइम्स भी मैंने इवान को सिखाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ न्यू राइम्स भी सिखाई है मैंने जो इस बुक में नहीं थी। तो इस तरीके के इसके पेजेस हैं बड़े शाइनी सॉफ्ट से, तो ये भी आप आसानी से जो है बच्चे को इस बुक से सिखा सकते हैं। और इसमें थोड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं क्योंकि ये जंबो बुक है, तो वो छोटी बुक थी, ये जंबो बुक है तो इसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं और साथ में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये भी इवान को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं बुक्स के मेनली बुक्स के उसमें कि कौन सी बुक लें। बुक्स जो है वो बहुत असेंशियल पार्ट है लाइफ का किसी भी इंसान के, बच्चे के भी और बड़े के भी, तो बुक्स राइट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको ये दो नर्सरी राइम बुक्स दिखाई कि अगर आप कोई राइम बुक ढूंढ रहे हैं तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। मैं अराउंड 2 ईयर्स से यूज कर रही हूँ एंड दे आर वेरी 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 गुड। तो चलिए ये था इन दोनों नर्सरी बुक्स का रिव्यू और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको करनी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। कौन सी वाली वन, विच वन? The clock struck one. Ran down. Ran down again. Tickety dock. Mountain clock. Clock tower. Mountain. Tickety dock. Mountain clock. Clock tower. Mountain dock. Clock tower. Mountain dock. Tickety dock. Hi. For Jaggy one. Dog.